बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट होना या फिर कोल्ड वॉर चढ़ जाना कोई नई बात नहीं है। कंपटीशन के जमाने में एक की सफलता देख दूसरे का इनसिक्योर होना लाजमी है। बॉलीवुड ने अब तक कई कैट फाइट्स देखी हैं। ऐसी ही एक कैट फाइट का किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो छिड़ी थी 80 और 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस रही अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच। ये तो सब जानते हैं कि अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री ने एक साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। दोनों की डेब्यू फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। मीनाक्षी फिल्म पेंटर बाबू से तो अमृता सिंह फिल्म बेताब से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। फिल्म बेताब से अमृता रातों रात स्टार बन गई थी, तो वही मीनाक्षी को मनचाहा स्टारडम फिल्म हीरो की रिलीज के बाद मिला था। 1990 के आते आते मीनाक्षी और अमृता दोनों ही इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी। वही दोनों को एक दूसरे का राइवल भी कहा जाता था। ऐसे ही एक बार फिल्म के सेट पर दोनों अभिनेत्रियां आपस में जा भिड़ी थी। देखते ही देखते संग्राम इतना बढ़ गया था कि महेश भट्ट को फिल्म की शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी थी। दरअसल उन दिनों मीनाक्षी डायरेक्टर महेश भट्ट की फिल्म अवारगी की शूटिंग कर रही थी। एक दिन फिल्म के सेट पर अहम सीन शूट किया जा रहा था, तभी अमृता सिंह डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलने के लिए जा पहुंची। महेश भट्ट और अमृता सिंह बातें करने में बिजी हो गए, लेकिन वो इतनी जोर जोर से हंस बोल रहे थे कि डायलॉग बोलती मीनाक्षी का ध्यान बार बार भटकने लगा। नतीजा ये रहा कि कोई सीन ओके नहीं हो पाया। मीनाक्षी को बार बार रीटेक देने पड़ रहे थे। आखिर में महेश भट्ट ने ब्रेक लेने का फैसला लिया और मीनाक्षी को रिहर्सल करने के लिए बोल दिया। उखड़ी हुई मीनाक्षी मेकअप रूम में जा रही थी कि तभी अमृता सिंह से टकरा गई। मीनाक्षी ने अमृता को देखते ही इल्जाम लगा दिया कि उनकी वजह से महेश भट्ट का ध्यान शूटिंग पर से भटका था। ये सुन अमृता भी कहां चुप रहती, उन्होंने फौरन पलटवार करते हुए कह दिया कि महेश भट्ट को दोष देने की बजाय अपनी एक्टिंग सुधारें। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि महेश भट्ट को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वही अमृता और मीनाक्षी के बीच हुई इस कैट फाइट का किस्सा एक पत्रकार ने अगले ही दिन अपने अखबार में छाप दिया, वो भी मीनाक्षी शेषाद्री के वर्जन के साथ। मीनाक्षी ने अमृता पर इल्जाम लगाया कि वह उनकी फिल्म के सेट पर महेश भट्ट को इम्प्रेस करने आई थी ताकि महेश अमृता को अपनी अगली फिल्म में साइन कर ले। अगले दिन जब अमृता सिंह ने ये खबर पढ़ी तो वो एक बार फिर जबरदस्त भड़की और इस कैट फाइट का जिम्मेदार मीनाक्षी की खराब एक्टिंग को बताया। इस कैट फाइट का क्लाइमेक्स भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ था। एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर अमृता और मीनाक्षी टकराई तो लोगों को लगा कि अब कैट फाइट पार्ट 2 होगा, लेकिन मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए अमृता सिंह से उनकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछ डाला, जिसके जवाब में अमृता सिंह ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें मेकअप टिप्स दे दिए। किसी ने सोचा ना था कि अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री की कैट फाइट का दी एंड ऐसे होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।